मिस मिलोर जी, मेरा क्लाइंट तो बड़ा मासूम है, ऐसा बड़ा दहशतगर्द किसने हो सकता है? ये तो बेचारा ऐसा मासूम है, ये तो छुट्टी वाले दिन अपने बच्चे को स्कूल लाके चला जाता है। मैनु मासूम साबित कर, पागल का पुत्र ना साबित कर। सर आप कौन है? आप किधर से हैं? ओ भाई कौन है आप? थिएटर के जो लोग हैं, कुरान भी पढ़ाए हैं आपने, माशाल्लाह हज भी करवाए हैं। हर चीज की गुंजाइश है लिमिटेशंस के साथ। स्टेज के अंदर सबसे पहले जुगत किसको लगाई थी? शौकी खान साहब को। मैं कहता हूँ अंजय जी, मैं पुला दे डेमू बैठा हूँ। पहली आपके हाथ में थिएटर की जो तनख्वाह आई थी वो कितनी? 786 में 50 रुपए, फिर 25 रुपए भी मिले। कोई शरारतें स्टेज के ऊपर? एक बहुत बड़े ऑफिसर आए वहाँ, उनकी आवाज बड़ी भारी थी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं साहब कहते हैं एहो जी आवाज का बंदा जिथे हो ना उसे सुलह नहीं हो सकती। कोई ऐसा मोमेंट आया कि आप डायलॉग भूल गए हों? रोने का सीन था। पहना अल्लाह ने तेन बड़े पास लाने पिछड़ा सा आता। अब मैं हंस रहा हूँ, वो क्लैप कर रहे हैं कि पता नहीं बड़ा रोना आ रहा है। मस्ताना मरहूम की अगर हम बात करें, छोटी सी बात करके हमारी बड़ी बड़ी बातों पे पानी फेर देते थे। खाली कदम अच्छा जी। ज्यादा कांटेदार मुकाबला आपका किसके साथ होता है? वो मानो साहब, मैंने मानो साहब आमने सामने आना ना, जब क्रैप हो जाए चलो भी अब मुकाबला शुरू हो जाएगा। माशा सलामत, मैंने आपकी शान में एक नज़म लिखी। दुनिया ते जिन्ने बादशाह सब तो वड्डा तू, जिड्डा वड्डा बादशाह कोड्डा वड्डा मूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप के साथ मैं आपका मेज़बान वक़्त शबीर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने इनको थिएटर इंडस्ट्री और टीवी के अंदर अपनी अदाकारी से जो है लोगों के चेहरों पर हंसियाँ बिखेरते हुए देखा होगा। हमारे साथ जवाद वसीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बहुत अच्छा। सर क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है ज़िंदगी के अंदर? आप क्या सोच के हैं कि मैं क्या चला रहा हूँ? सर मैं तो ये सोच के आया हूँ कि अच्छा ही हो रहा होगा जो भी हो रहा होगा। वही ड्रामा हो रहा है, लाला हो रही है, चलते रहते हैं। सर आप का जो माशाल्लाह खानदान है वो किसी थिएटर की तरफ नहीं थे, तो आप ये इस साइड पे किस तरह आए? मेरे अंदर आर्ट के जरासीम हैं। पिछले मेरे नाना जी थे ना, अच्छा वो हारमोनियम बजाते थे, सही सितार भी बजाते थे, सही। तो वो आर्ट तो आर्टिस्ट तो होता ना, वो शौकिया बजाते थे, लेकिन वो मेरे अंदर उसके ना जर्म्स मौजूद थे। तो बचपन में मुझे वो अम्मी जान मेरे ड्रामा सुनते थे रेडियो पर, ठीक है, तो अब्बा जान से लड़ते थे क्या सुन रहे हैं, तो वो मैं क्योंकि क्या लड़ाई हो रही है, ड्रामे भी हो रही है, तो मैंने कहा मैं भी ड्रामा आर्टिस्ट। सर आपकी वालदा ने भी कहा था कि या तो आप मौलवी बनेंगे या अदाकार बनेंगे, उस वाले से बताइएगा ना। अल्लाह बख्शे अम्मी जान कहा करते को पूछता ना मुझे कि बेटे क्या बनोगे, तो अम्मा जान फरमाते या मेरा पुत्र मौलवी बनेगा या एक्टर बनेगा। सही सही। तो आप माशाल्लाह, और ये जो दाढ़ी है माशाल्लाह, आपने थिएटर के जो लोग हैं इनमें भी काफ़ी इस हद तक इस्लाम को जो है वो काफ़ी परवान चढ़ाया है, और कुरान भी पढ़ाए हैं आपने माशाल्लाह, हज भी करवाए हैं। असल में हमारा जो इस्लाम है ना वो बड़ा वसी मज़हब है, वो कोई कुछ सूबाई नहीं है, कोई मुल्क ही नहीं, वो इंटरनेशनल मज़हब है। इसमें हर चीज़ की गुंजाइश है लिमिटेशन के साथ, गुनाह की नहीं है। देखो गाना चाहता है, कोई आर्ट में आना चाहता है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई और शो में फैशन है, तो उस हर चीज़ की गुंजाइश है लिमिटेशंस के साथ। ये मेरा एक मौक़ था, क्योंकि मुझे लोग कहते थे शुरू ओ यार या ड्रामा करो तो या जाओ यहाँ से, तो एक तुम क्या दो मुनाफिक बने हुए इधर भी उधर भी। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं, क्या हम ये समझते हैं कि जो अदाकार होगा वो बुरा ही होगा और वो जो मौलवी साहब बस वो अच्छे होंगे? ये क्या क्राइटेरिया? हर आदमी अच्छा हो सकता है, हर लड़की अच्छी हो सकती है, नाचने वाली लड़की अच्छी नहीं हो सकती। हमारा तो ज़िंदगी गुजर गई है बड़े बड़ी नेक बड़े बड़े अच्छे, अब पीछे सिचुएशन क्या चल रही होती है, किस सूरत हाल में कौन कहाँ आ गया, ये तो अल्लाह ताला का तकसीम होती है। लेकिन नेक होना, अल्लाह अल्लाह करना, ये तो अपने बस में है ना।
लिमिटेशंस हैं वो फॉलो करनी है हमें, जो मर्जी करें लेकिन लिमिट्स में। अब हमने थिएटर में यानी कि 75 से मैं थिएटर कर रहा हूँ, 46 ईयर्स तो हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 46 ईयर्स से नमाज भी पढ़ रहे हैं, और वहाँ कितने अदाकारों को कुरान भी पढ़ाया, बच्चियों की शादियाँ भी की, हर साल हज सब चल रहा है। एक दफ़ा हम लोग जा रहे थे हज पे, इफ्तिखार ठाकर, नसर चनोटी, नसीम सारे इकट्ठे लाहौर एयरपोर्ट पे, तो कुछ हाजी साहब जो हमारे ग्रुप में थे, कहते वो यार ताड़े को दौड़ के तुम उतरे जा रहे हो फिर नाल जा रहे हो। सही। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे हर साल हज करे तो मुझे तो सारा एक्सपीरियंस है ना सारा, तो फिर 8 दिन बाद कहते हैं जी तुम नाल लाना होंगे तो साढ़ा हज नहीं सही होना, फिर सू एक एक चीज़ समझाइए दसी, फिर वो बड़े खुश हुए। और इन बिलगारी साहब की बेगत आए मैंने नहीं लोगों के साथ जाना ये तो, तब फिर मेरी बेगम ने कहा कि हम आपका अलहदा कर रहे हैं, तो रोना ना 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 ना, ना मैंने आपके साथ ही रहना। तो एक अपेरेंटली किसी को देखकर फैसला करना बुरा नहीं जब तक आप उसको जानते नहीं। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि स्टेज के अंदर सबसे पहले जुगत किसको लगाई थी? वो शौकी खान साहब को लगाई थी। अच्छा क्या जुगत थी? मैं सिनेरियो क्या बना हुआ था वहाँ? सिनेरियो उसका मुंह था और क्या था। मैं कह रहा मूँ अंजय जे मैं पुला दे डेमू बैठा हूँ ये कने कने कढ़ाई नु कुंडे लगे होंगे, वो पहली उनको लगाए थे शौकी खान साहब अल्लाह बख्शे। और सर जब पहली आपके हाथ में थिएटर की जो तनख्वाह आई थी वो कितनी थी? हाँ पहली दफ़ा मुझे मिले थे 50 रुपये। सही। और ये किस जगह पे हुआ था? मैं बताता हूँ, ये ड्रामा नहीं था असल में, ये एक मुकाबला था एक्टिंग का, ऑल कॉलेजेस का ना कंपटीशन था। सही। मैं एफसी कॉलेज से लड़ा था। सही। तो सेकंड प्राइज मिला था, शुएब हाशमी साहब ने दिया था, फर्स्ट शिकालबन को क्वीन मैरी की लड़की आई थी या गवर्नमेंट का, तो सेकंड मेरा था एफसी कॉलेज। फिर मैं ड्रामे में 7-8-6 में 50 रुपये, फिर 25 रुपये भी मिले, फिर 100 मिल गया, फिर चलता रहा। सर माशाल्लाह आपने बब्बू बराल और ये मस्ताना मरहूम, अमानुल्लाह मरहूम, सोहेल अहमद, इफ्तिखार ठाकुर लोगों के साथ काम किया हुआ, तो इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? और कोई शरारतें स्टेज के ऊपर हमारे नाज़रीन को कोई मज़े के वाक़यात इनके साथ हुए? देखो ज़्यादा संजीदा आदमी थिएटर नहीं कर सकता, वो तो घबराया रहता है। बिल्कुल शरारती होते हैं तो करते हैं, और ये बात बनी है कि जो हंसाने वाला होता है अंदर से बड़ा दुखी होता है। बिल्कुल गलत बात है, जो अंदर से दुखी है उसको उससे उसे वो कॉमेडी कर ही नहीं सकता, उसके अंदर वो फूटती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। हाँ वैसे कोई घर में, जैसे एक दफ़ा मेरे भाई को फायर लग गया, वो हॉस्पिटल में था और ज़िंदगी मौत की कश्मीर में अलावाना थिएटर कर रहा था, और लोग खूब हंस रहे थे और क्लैप पे, उसमें रोल भी मेरा हिट था तो मैं रो रहा था, किसी को पता भी नहीं था। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता मुस्तकिल कोई दुखी है तो वो नहीं चल सकता। अमाला साहब इंतहाई शरारती आदमी थे, मस्ताना साहब, सुहेल साहब, बल्कि अमाला साहब हमारे साथ हज पे थे, सब ने हराम बांधे हुए हैं, तो वो जो ड्राइवर था ना बस का वो काला था, तो सवारियाँ भी हमारे हाजी को जाए तो वो चल पड़ा, आप सब उसको रोकना चाह रहे हैं, कोई कह रहा है स्टॉप, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, वो समझ नहीं आ रही, तो मौलाना साहब खड़े कहते हैं जम जम। उन्होंने सुना था जमजम का मतलब रुक जा, तो वो लोग हंसना शुरू। तो वो है ही कॉमेडियन थे, यानी कि वो हर बात में, एक बहुत बड़े ऑफिसर आए वहाँ हमारे, मुज़ाकरात हम कर रहे थे, उनकी आवाज़ बड़ी भारी थी, मैं ये कह रहा हूँ मैं ऐसे कर, तो मान साहब कहते हैं एहो जी आवाज़ का बंदा जिथे हो ना उत्थे सुलह नहीं हो सकती। तो ये कॉमेडियंस जो होते हैं ना, ये मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं,
کہ ہر وقت لائیو رہتے ہیں, سچویشن کو ڈل نہیں ہونے دیتے. عام زندگی میں اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں. میری زندگی گزر گئی. تو سر ان کے ساتھ جب اسٹیج کے اوپر آپ پرفارم کر رہے تھے, کوئی ایسا مومنٹ آیا کہ آپ ڈائلاگ بھول گئے ہوں, ادھر کوئی کریٹیوٹی لائی ہو اپنی بھی امپرووائز چیزیں؟ آپ کو اور بات بتاؤں, بھول رہے تو ہزاروں دفعہ بھول رہے, وہ پیچھے پرومپٹر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے. اچھا, یا ساتھ والا ایکٹر بتاتا ہے. ایک اور بات بتاؤں کہ میں اوپن ایئر ڈرامہ کر رہا تھا تو رونے کا سین تھا, تو البیلا صاحب اللہ بخشے میرے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, میں نے آہستہ سے کہا اچھا جی, تو اب مجھے ہنسی آ گئی. اب رونے کا سین ہے اور مجھے ہنسی بے تحاشا آ گئی, اب رکے نہیں رک رہی ادھر سے. تو وہ میں نے نا رونے کو ہنسی میں مکس کیا, جب رو رہا ہوں نا پہنا اللہ نے تینوں بڑے پاک لانے وہاں پہ چھوڑا سا آتا اب میں ہنس رہا ہوں, لوگ کلیپ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں بڑا رونا آ رہا ہے. تو ایسے کئی واقعات, بھول تو عام جاتا ہے, ہر ایکٹر بھول جاتا ہے. سر ببو برال کے ساتھ بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا ببو صاحب, بلکہ جب لاہور میں آئے تو میرا خیال ہے وہ میرے پاس ہی آئے تھے, پنڈی سے آئے تھے. بلکہ ببو صاحب نے پوچھا کسی کہ میں مل لوں, میں نے کہا کیوں نہیں آئے ملیں, پھر ان کو کام نہیں ملا. میں نے کہا آپ ہر ریہرسل میں آ جایا کریں, کوئی پوچھے بھی کدھر گجر اس کی تلاش میں ہوں, تو اینڈ تک انہوں نے یاد رکھا, مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ نے مجھے بڑا گائیڈ کیا تھا. اچھا سر مستانہ مرحوم کی اگر ہم بات کریں, مستانہ صاحب نے اور ہم نے 79 میں اکٹھے ڈرامہ کیا تھا پہلا, امان اللہ صاحب, مستانہ صاحب, شوقی خان صاحب, جمیل بسمل صاحب, تو ہم نے 79 میں اکٹھے بہت ڈرامے شروع کر دیے. 75 میں کرتے تھے اکا دکا, پھر 79 سے ریگولر. تو مستانہ صاحب ایک ایسے آرٹسٹ تھے جنہیں میں, ایک ویسٹ انڈیز کا کرکٹر ہوتا تھا رچرڈ, بیون رچرڈ, اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ لوگ تو چھکا مارتے نا کر کے ایسے مار دیتا تھا, چھوٹے سے کابر سے وہ چڑھا دیتا تھا گیند. تو میں کہتا تھا آج تسی رچرڈ ہے گئے ہو, چھوٹی سی بات کر کے ہماری بڑی بڑی باتوں پہ پانی پھیر دیتے تھے, چھوٹی سی خالی کہتے اتنا. اب ہم یہ کون سی بات اچھا جی, تو چھوٹے چھوٹے جسر سے وہ ایسے پھول کھلا دیتے تھے, ایسی ہنسی آتی تھی. ایسے آرٹسٹ کب آئیں گے سر ان کے ساتھ کانٹے, زیادہ کانٹے دار مقابلہ آپ کا کس کے ساتھ ہوتا تھا؟ وہ امان اللہ صاحب, امان اللہ صاحب کے ساتھ. تو کوئی ایسا وہ ان کے ساتھ تو گھنٹہ گھنٹہ اوپنر میں چلے ہوئے, یعنی کہ آدھے لوگ ادھر ہو جاتے تھے آدھے ادھر میری طرف, وہ کہتے ہاں لیا کیڑا استاد ہے چلو مان لا اینو چھڑی نا. تو وہ اس زمانے میں وہ 5-6 سال کا ایسا پیریڈ رہا کہ رات کو جوں میں نے مان لا سامنے آمنے سامنے آنا نا جب جی کلیب ہو جانا کہ لو بھیا مقابلہ شروع ہو جائے گا, تو ان کو دیکھ کے جو میرے اندر وہ کامیڈی پھوٹتی تھی نا وہ انہیں کا حصہ ہے کہ وہ ان کو دیکھ کے بھی کامیڈی آتی تھی اور خود بھی کامیڈی آتی تھی, آمد ہوتی دوسرے کو بھی آمد ہوتی تھی. یہ میں آپ کو حیرت انگیز بات بتا رہا ہوں. اچھا ان کو تو ہوتی تھی نا, وہ تو تھے ہی, لیکن کوئی میرے جیسا بھی ان کو دیکھتا اس کو بھی آمد ہو جاتی تھی, وہ بھی شروع ہو جاتا. ایسے وہ پتہ نہیں کیا باغوان تھے, بہت بڑے آدمی تھے. سر آپ کا ایک کردار ماشاء اللہ لائر جو ایک وکیل بنے تھے آپ, اور اس کے اندر جو آپ نے موومنٹس کی تھی, اگر وکیل کا ہم کردار دیکھیں تو وہ تو مطلب ایک نارمل سا ایک عام سا بندہ ایسے ہی ہوتے ہیں, آپ نے پھر دیکھے تو پھر آپ نے وہ بلکہ وہ کلا تشریف لائے تو انہوں نے کورٹ میں ہم پہ کیس بھی کر دیا. اچھا تو کیسے جان چھٹی پھر؟ نہیں وہ جب ملے تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو بڑے خوش ہوئے آپ سے مل کے, آپ تو ایسے آدمی نہیں, تو صرف ایک کریکٹر تھا. تو پھر 16 ہو گئی, بڑا مزہ آیا, پھر دوست بن گئے وہ. لیکن ان دنوں وہ ناراض ہو گئے کہ بھائی یہ کیا,
जब मिले बैठे हंसी खेल तो ख़त्म हो गया। सर वो करेक्टर डेवलप कैसे किया, वो क्या उस टाइम क्या सोच के आप स्टेज पे गए थे? एक तो आपको पता है मेरी जो स्टाइल है वो है ही भागने दौड़ने उछलने वाला, तो ऊपर से वकील, अब वकील ने बात साबित करनी है, कैसे करें क्या करें, तो वो मुझे दिया था तीसरे एक्ट में वो करेक्टर था, तो मैं समझा मैं हूट हो जाऊंगा, लेकिन वो जब मैंने इतने कहा मी लाओ, लोग हंसना शुरू हो गए, एक किस तरह था मी लाउट कह रहे, तो फिर आपको पता ही बड़ा हिट हुआ माशाल्लाह सबको पता। सर एक ड्रामा आप कर रहे थे सुहेल अहमद और इफ्तिहार ठाकुर के साथ, जिसके अंदर एक हंसी का एलिमेंट आप इफ्तिहार ठाकुर पूछते थे, हाँ वो मछली वाला जो ड्रामा था, तो उसमें वो जो हंसी थी वो जरा नाजरीन को, वो कैसे क्रिएटिविटी जो आप में वो लाई स्टेज के ऊपर? आप पूछे ना भी आप कौन है, फिर मैं हंसूँगा, फिर आप ना भी ओ भैया तुम कौन हो, फिर मैं ओ यार तू किधर आया है, तो वो आप करें सर आप कौन है आप किधर से आए हैं ओ भाई कौन है आप सर ये क्रिएटिविटी ये क्या मतलब खुदादाद सलाहियत? ज़ाहिर है खुदादाद ही होती है, कोई आदमी अपने पास से तो नहीं कुछ लेके आता ना, अल्लाह पाक ही देते हैं दिमाग, अल्लाह देते हैं उसमें फीड कर देते हैं, जो भी उसने साइंसदान बनना है वो अल्लाह ताला, शायर बनना है उसको फीड कर देते हैं, फिर वो वक्त के साथ साथ वो अल्लाह ताला उसको निकाल देते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं। एक टाइम मैंने कहा था ना बादशाह बने हुए थे सुहेल साहब मेरे, बहुत बहुत करीबी हैं वो, यानी कि सगे भाइयों से ज़्यादा, बहुत मुझसे प्यार करता है, मैंने क्या करना, तो बहुत ही प्यारे हैं। तो सुहेल साहब वाहिद फनकार हैं, ठाकुर साहब भी, किसी के हाँ कोई खुशी कभी हो पीछे नहीं हटते, आगे बढ़कर एकदम बादशाह बने हुए थे। मैं कही मैं शायर था, मैं कही बादशाह सलामत मैंने आपकी शान में एक नज़म लिखी सुनाओ, दुनिया ते जिन्ने बादशाह सब तो वड्डा तू, जिड्डा वड्डा बादशाह ओडा वड्डा मूँ। बू साहब का भी जनाजा मैंने पढ़ाया, मस्ताना साहब का भी मैंने पढ़ाया, मस्ताना साहब भी वेल ऑफ थे, बल्कि सारा लेन देन करके। और असल में ये जो मीडिया होता है ना, इसको ये दिखाना चाहता है कि उस पर जुल्म हो गया है, वो मर गया है, खुशहाली तो दिखा ही नहीं सकता क्योंकि देखेगा कौन, हम जो आराम से बैठे हुए हैं कुछ कुछ, तो मीडिया क्या पता है? अभी लड़ा गया देखा, तो दो आदमी में लड़ाई हो गई, उनको सो नाक मार, ये देखे इसका नाक टूट गया, इसके दो दांत निकल आए, उसका कान कट गया, तो ये खबर होती है ना, तो खबर उनकी बनती तब। अब ये बोल कि मस्ताना साहब बड़े खुशहाल हैं, आराम से रह रहे हैं बहुत, तो कोई ठीक है, अब वो दिखाएंगे मस्ताना साहब को भूख से वो बिलक रहे हैं, वो सारा बना के करते हैं, हालांकि ऐसी बेहिसी नहीं है, हमारा मुल्क कितना बेहिस नहीं है, जितना कह के वो मीडिया ने जलील कर दिया, ऐसा नहीं है। बबू साहब के मैं खुद जाता था, तारमीन साहब मेरे साथ जाते थे, सुहेल अहमद साहब, सखी सरवर साहब, ऊपर जो पिछली उस वक्त गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब, शरीफ कॉम्प्लेक्स में उनका इलाज था, मुफ्त था, उनको हुकूमत ने पैसे दिए, एक दफ़ 5 लाख दिया, 10 लाख दिया, फिर इस तरह मस्ताना साहब, तो कसम की हरगिज नहीं थी, ये ऐसे ही मीडिया होता है कि, बल्कि एक दफ़ा मैं डांटा तो वो कहते अच्छा तुझे हुकूमत को डरते हो, मैं कहा भाई नहीं, जो हुकूमत अच्छा करती है वो सारी हुकूमतें जालिम तो नहीं कि मारने आती हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, आप बीच में हम लोग कपला कर जाएं, आर्टिस्टों का फंड आए तो ले वो जाएँ जो आर्टिस्ट आए ही नहीं, अब उसमें हुकूमत का क्या कसूर है, तो ऐसा हरगिज नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो तो बड़े माशाल्लाह सही रहे, ज़िंदगी भी सही गुजरी, एंड पे भी कोई कमी नहीं थी, वो ऐसे ही बना लेते हैं, अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अब मूर खान साहब वो भी ठीक थे, मैंने उनको कहा, बल्कि सब करते हैं, मैंने कहा जी तुम कभी दवाई की फिक्र नहीं करनी या कोई ऐसी गल नहीं करनी, वो बच्चों ने उनको उठा के ज़बरदस्ती उनको वो प्रेस क्या है वो प्रेस क्लब के सामने बिठा दिया, बुरी बात है ना कि भाई हमें पता नहीं क्या आ जाएगा,
तो लालच में ना आदमी मरता है, हालांकि अल्लाह पाक ना किसी को जलील करता है ना करना चाहता है, लालच में। अब मौला साहब भी बिल्कुल ठीक गए, आखिर तक कमाते रहे, आखिरी काम इनका मेरे साथ ही था, यही जी जीएनएन में इकट्ठे किया था, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी अच्छा बुरा वक्त तो सब पे आता, नेकों पे भी आता, उसको इतना ज़्यादा ना कि हर एक्टर जब मरता है तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं, ऐसा होता नहीं। जितना हम दिखा देते हैं भीख मांग रहा है, ये कर रहा है, हमारे इतने भी लोग बेहिस नहीं हैं, अपने आप को नहीं इतना जलील करना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े बड़े अच्छे लोग हैं और हम मिलते हैं, अभी देखो वो मंजर अमीन साहब कितनी हेल्प कर रहे हैं और सारे करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं उस वक्त किसी से मुतासर नहीं था, हाँ मतलब थोड़ा बहुत जानी बकर से, जिनका नाम बदरुद्दीन था ना, इंडिया के थे, जब फिर फील्ड में आ गया, फिर अमानुल्लाह साहब। बाकी सुहेल साहब हैं, मैं शुरू में कहता था आप नंबर वन होंगे, और वो हुए भी हैं, भी बहुत कमाल हैं। नसीम विक्की साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, जफरी साहब हैं, आसफ, सारे माशाल्लाह बड़े बड़े पॉकेट फनकार हैं। सखावत नाज साहब, वो क्या उनका भाई क्या नाम है उसका, साजन, बहुत बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन मैंने अगर कभी मुतासर तो सिर्फ मानना था, जब से ये कोविड हुआ 19, तो 8 नवंबर के साल होने को आ गया, ईदें भी गईं, तो थिएटर ही नीचे को जा रहा है, तो एक्टर वो थिएटर जब ऊपर जाता है ना, तो फिर बीच में से लोग निकलते, बस जब एक गाड़ी ही नहीं चल रही तो कौन सा कहा क्या कि बहुत अच्छी ड्राइविंग कौन करता है, गाड़ी चल ही नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ऊपर से वो ड्रामे 7 बजे कर दिए हैं, 7 बजे किसने आना है किसने जाना है, तो बंद करने वाली बात है ना, भी ख़त्म करो ये आठ का गला घूट दो, जो उनका टाइम है चलो 8:30 होना चाहिए, जल्दी करें 8:30-9 तक हो जाए, 11 बजे ख़त्म करें, अब 7 से 9 किसने आना किसने जाना है। तो थिएटर बजाते खुद नीचे को जा रहा है, तो उसमें एक्टर कौन आएगा तो कौन जाएगा, वो तो जब चीज़ें ऊपर को जाती हैं फिर भी एक्टर निकलते हैं ना। सर ये मोइन अख्तर और उमर शरीफ के टाइम की अगर हम बात करें, तो थिएटर और अब के थिएटर की बात करें, क्या डिफरेंस फील करते हैं? पहली बात है कि वो सब लोग पढ़े लिखे थे, सही, ऑडियंस भी पढ़ी लिखी आती थी, वो हु हा, बहुत बड़े जजेस तशरीफ लाते थे, फौजी अफसर आते थे, पुलिस अफसर आते थे, ब्यूरोक्रेट्स आते थे, तो एक प्रोफेसर आते थे, यानी मेरी अम्मी ने खुद देखा, तो फैमिलीज आती थी, बड़ा कुछ, क्योंकि टाइम अच्छा था, बिल्कुल 8 से 10, 10:30, और डांस की जो गंदगी है वो नहीं थी, डांस को जो मर्जी कह लो होता आखिर गंदी है, तो उस ज़माने की अदाकार हैं कि वो सारी डांस करती थी, हो गया कोई ऐसा सीन आ गया वो स्टेप ले लिया, तो वो फिर जाहिर है कि ये थिएटर तो अब मैंने कई दफ़ा देखा है कि नहीं करते हैं, नसीम विक्की साहब अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बाकी लेकिन वो मादर से दिल नहीं तोड़ना चाहता, वो बात नहीं। पहले तो आपको क्या लगता है कि ये रिवाइवल उस तरह का थिएटर का कभी आने के कोई नहीं नहीं रिवाइवल कहाँ से, तो थिएटर ही डाउन चला जा रहा है, थिएटर बंद होने आ रहे हैं, कोविड के बाद की अगर हम बात करें, नहीं रिवाइवल क्या होना है, आप लोग जैसे उठो यूनिवर्सिटी से उठो आके संभालो थिएटर ड्रामे करो तो फिर रिवाइवल आ जाएगा, आप लोग आते नहीं हो, इधर उधर फिर के चले जाते, हमारे हम कॉलेज से आए थे, इस्लामिक कॉलेज से ड्रामे का शुरू किया, फिर एफसी कॉलेज में, यानी 11 बजे पीरियड पढ़ के क्लास, तो साइकिल पे आता था हमारा, वहाँ थोड़ी सी रिहर्सल करके फिर होती थी 12:30 क्लास, 10 मिनट फिर वापस जाना, फिर क्लास पढ़नी, फिर आना। यूनिवर्सिटी से सोहेल अहमद साहब, ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, मुनव्वर सईद साहब, सारे डॉर साहब गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े होते, अब आप लोग ही नहीं आते तो हम क्या करें, जब आप नहीं आओगे, अब आप जैसे इंटरव्यू लेने जो आ गए, अलमरा जाओ डेट्स लो, ऐसे ही होता था ना शुरू में, शुरू करो काम, तुम्हारे पास पोटेंशियल है, कॉन्टेंट है, सब कुछ है, करो,
अब हम पे ना डाले, हम तो हमें मालूम है हम हैं चिराग आखरे शब, हमें मालूम है हम हैं चिराग आखरे शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, तुम उजाले हो हमारे, तुम कमिंग स्टार्स हो, तुम हमारे सूरज हो, हम तो हम तो गुरु होते हो जा रहे हैं ना, सारे तो मर गए हैं, रह कौन गया, तो आओ के संभालो। अब ये तो ना कि कौन आया कौन जाए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। वो महफिलें जो उस वक्त होती थी वो आजकल खो गई हैं कहीं भाई, वो बंदे ही नहीं ना बेटा, वो बंदे ही चले गए, तो मैं बंदों से महफिल होती है ना, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है तो लोग जो है उन्होंने रूह हाजिर कर लिए चले गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो आज के दौर के लोग जो अभी भी कुछ जो बचे कुचे लोग हैं उनमें से कोई अगर हमें कोई गाइडलाइन कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं बता तो रहा हूँ ना, आप स्क्रिप्ट लाओ अलहमरा में जमा कराओ, गाइड ही कर रहा हूँ, डेट लो सही और पुराने जो थिएटर हैं वो निकालो पढ़ो उसको, सुहेल साहब का थिएटर है, सूफी निसार साहब का थिएटर है, इफ्तखार अहद साहब का थिएटर है, वो क्या थे अत्र शाह खान साहब उनका थिएटर, वो सारे निकाल के पढ़ो उनको, देखो उनकी वीडियोज हैं, आज काउंसिल जाओ तो वहाँ तुम लिखो और डेट्स लो और करो काम। अब किस पे डाल रहे हो? मुझे याद है मेरा पहला लाफ्टर ही उछलने पे आया था, ज़िंदगी का पहला लाफ्टर इस्लामिक कॉलेज हबीबिया हॉल में, वो मैं मीर साहब बना था, वो जो होती है ना स्टिक पर मैं जोर लगा के ज़रा सा खांसी आती, वो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं तो खांसी आती, तो वो ऐसे उछलता है टांगे ऊपर कर, तो पहला लाफ्टर ही मेरा वो, मुझे पता ये तो उछलने से बड़े लाफ्टर आते हैं, ये एक निज़ाम है पूरा, वो मुझ में अल्लाह ने डाला था। हर अदाकार का अपना स्टाइल होता है, स्टाइल खुदा दाद होता है। बच्चे मेरे बेटियाँ भी हाफ़िज़े कुरान हैं, बेटे भी हाफ़िज़े कुरान हैं, उसी से UCCP से पढ़े हैं दोनों बेटे, एक तो एम फिल कर रहा है अब आप से फारग हो गए से, दूसरा भी उधर ही है वो BBA कर रहा है, बल्कि ऐसा उसने बुलाया था यूनिवर्सिटी में, उस वक्त कोई इसी का फिल्म का ही था, तो बेटियाँ भी एक की शादी होगी वो नॉर्वे होती है, वो FC कॉलेज से पढ़ी है, छोटी और डी फार्मेसी कर रही हो भी हाफज है, तो आना हो तो आ जाए बेटे, मैंने क्या कहना है, मैं कहा जोर ला रहा हो भाई, असी भी आपे ही गए थी, साढ़े अब्बा जी तो नहीं जान देते थे ना, अम्मी जाने देती थी, मार पड़ी थी, फिर मार पड़ती थी, मार तो उस जमाने की खुराक थी तुम लोग नहीं मार खाते थे तुम नलायक हो ये डॉक्टर कदीर खान ने भी मारे खाई है, सब टीचर का एक रूप होता था, एक शान होती थी शान। अब जावर साहब जब हादसे में अल्लाह के पास चल गए, तो फिर उनके जब प्राइमरी के उस्ताद आए तो उनको बकायदा सलूट किया गया था, टीचर की तो बड़ी शान होती थी, और थोड़ा सा रोब दबदबा तो हो ही तो फिर बच्चे, अब बिल्कुल बच्चे लाड कर रहे हैं वो जो हमें अंग्रेज़ों का दिखाते हैं, हमारे बच्चे तो बड़े बड़े इंटेलिजेंट, और मेरी वालदा ने हेडमिस्ट्रेस थी वो बड़ी सख्ती करती थी, उनका पढ़ा हुआ कभी फेल ही नहीं हुआ, वो कमिश्नर लग गया को कुछ गया को पायलट बन गया, तो वो सख्ती जो होती है ये जो ना मार नहीं प्यार, ये बेवकूफ वाली बात है, बच्चे को कभी मार कभी प्यार, कभी कभी मार प्यार, सब बैलेंस, मार का मतलब ये नहीं होता कि मुंह तोड़ दे या हड्डी तोड़ दे, एक हल्का फुल्का एक रोग होता है, बल्कि हमारी शरीयत में तो अगर उस्ताद मारे तो उसके लिए अहकामात हैं कि वो छड़ी कितनी हो कहाँ मारनी है कितनी लगे, ताकि बच्चे को कोई नुकसान भी ना हो लेकिन उसको थोड़ी सी सरजनश हो जाए, ये हमारा मतलब बैलेंस मतलब है बैलेंस। अब इसको हम क्योंकि डरते हैं ना गोरों से, वो ऐसे कहते रहते हैं, हमारे मज़हब में बच्चों की तरबियत सबसे आलिशान, कुरान और हदीस आप पढ़ें, बच्चों की तरबियत की एक एक, यानी कि बच्चे के बारे में वो सूरह लुकमान में आए कि वो चले तो कैसे चले,
बात करे तो किस तरह करे, उसकी टोन, टेम्पो, फेस एक्सप्रेशन, उसके कपड़े, उसका लिबास, उसका बोलना, उसका चलना कैसा हो, एक एक डिटेल से अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाई है। लेकिन हम पढ़े ही ना, हम वही फ़िरका वारिद में पढ़, हमारा तो मतलब फ़िरका वारिद में पढ़ गया था ख़त्म। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हमरा में रहते हुए पूरे यानी 46 इयर्स में कभी भी हमारी मजहबी वो क्या कहते हैं बदमजगी नहीं हुई, हालांकि शिया भी थे, सुन्नी भी थे, सब इकट्ठे, कभी सब मिल जुल के इकट्ठे, यानी ये मिसाल एग्जांपल है पूरी वर्ल्ड के लिए कि हम सारे, और वहाँ हम करते भी मजहबी बातें भी की सब की, लेकिन एक दूसरे का ऐसा एहतराम, अदब, ख्याल, कितनी मोहब्बत। भाई हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस्लाम हमारा मज़हब है, हम सारे एक दूसरे के भाई हैं, तो छोटे छोटे इख्तलाफ तो होते ही हैं। इसलिए ये हमारा मज़हब जो है ना बहुत ही हसीन और जमील मज़हब है। हमने सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है अमल करें तो, और फिर हमें बड़े बड़े उलमा भी मिल गए, मौलाना जमशेद साहब मिल गए, इधर तारिक जमील साहब और बहुत से लोग हैं हमारे पास आए, हम उनके पास गए, ज़िंदगी अच्छी गुजर गई। सर जाते जाते कोई अशार, शायरी से भी आपका काफ़ी जो है वो लगाव है, शायरी की वजह से मैं एक्टिंग में आया था। अच्छा, ये भी कहानी, शेर पढ़ता था, सही अपना ने किसी का बस तो फिर तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना, बस तो फिर तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना, फिर ये उम्र ही क्यों गर तुमसे जो नहीं मिलना। क्या बात, रहे वफा के मुसाफिर को कौन समझाए, रहे वफा के मुसाफिर को कौन समझाए, इस सफर में कोई हम सफर नहीं मिलना। जेड़े देश दे विच ना कदर होवे उस देश कदी भी जाईदा नहीं, जेड़े देश दे विच ना कदर होवे उस देश कदी भी जाईदा नहीं, काटा खा के बुरा गवांड छड़िए ते जोर हुंदियां जोर अजमाईदा नहीं, ते परदेदारा तो करीदा आप परदा, यानी कि साड़ियां भैणां ही परदा कर, साडा भी मर्दां दा भी परदा, परदेदारा तो करीदा आप परदा, ते सच कहंदियां कदी शर्माई दा नहीं, ते नबी पाक दा इश्क उस्ताद मन के बेपरवाह तो ध्यान हटाई दा नहीं। सुभान, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। और कोई बात नहीं, सांसों ने वफा की तो नाज़रीन हम फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे यानी अबू बकर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।